विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास का खेल देखिए, यहाँ भूत प्रेत उतारा जा रहा है। अंधविश्वास के इस नाटक में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई है। तस्वीरें सिंगरौली की है। यहाँ यूपी से आई पानमती नाम की महिला ने दावा किया कि वो भूत प्रेत की बाधा को दूर करने आई है। जैसे ही ये बात काठास गांव में आसपास के इलाकों में फैली, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां जमा हो गई और फिर शुरू हो गया भूत प्रेत भगाने का नाटक। इतना ही नहीं, भूत प्रेत भगाने का दावा करने वाली पानमती कई महिलाओं को उनके पति के अवैध प्रेम संबंधों के बारे में भी जानकारी देने लगी। इसके बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो दल बल के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तांत्रिक पानमती को अपने साथ लेकर चले गए। एक कठास गांव है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ पे कुछ आदिवासी महिला जो है झाड़ फूक का काम कर रही, दो तीन दिनों से उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे झाड़ फूक और भूत प्रेत को लेकर के, और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आई कि जिससे आपस में लोगों का वाद विवाद होने लगा। तो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची और उसने सभी को समझाया और ये बताया कि झाड़ फूक इस तरह का अंधविश्वास जो है गलत है, ये वैज्ञानिक रूप से कोई सत्य नहीं है, और उनको समझा बुझाकर सबको डिस्पर्स करके वहाँ से अलग किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, सब हटा दिया गया वहाँ से, सब अलग कर दिया वहाँ पे और सब ठीक ठाक है, सब अपने घर चले गए वहाँ से, और उनके परिवार वालों को बुला करके और महिलाओं को भी समझाया गया है, उनको समझाई दी गई कि झाड़ फूक या भूत प्रेत कोई वादा नहीं होती इस तरह का, ये एक अंधविश्वास है, उनको समझा करके डिस्पर्स करा दिया गया। मामला ऐसा बना ही नहीं हुआ जिसको भी दर्ज किया जाए, ये अंधविश्वास को लेके था, उसमें उनकी समझाइश दे करके उनको अलग कर दिया। दरअसल इस इलाके में झाड़ फूक भूत प्रेत के नाम पर काफी कुछ होता है। हालांकि समय समय पर प्रशासन और पुलिस इसको लेकर जागरूक करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर अंधविश्वास खत्म नहीं होता। फिलहाल इस घटना के बाद भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया और महिलाओं को समझा बुझा कर उनके घर भेज दिया। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।